The Dawn Express, Aina Sashka. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हूं। ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के इस घोषणा के साथ ही अयोध्या में एक भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तथा श्री राम लला विराजमान के वकील के पराशरण होंगे तथा इस ट्रस्ट का कार्यालय के पराशरण के कार्यालय R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे तथा कम से कम एक सदस्य दलित समाज से होगा। 15 सदस्यों में से 9 सदस्य अस्थाई तथा 6 अस्थाई होंगे। वरिष्ठ वकील के पराशरण के अलावा ट्रस्ट के अन्य सदस्य हैं शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज, हरिद्वार के परमानंद महाराज जी, पुणे के स्वामी गोविंद गिरी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, अयोध्या से होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दीनेन्द्र दास तथा बिहार के डॉक्टर कमलेश्वर चौपाल। इसके अलावा अयोध्या के DM इस ट्रस्ट के संयोजक सदस्य होंगे। ट्रस्ट के 6 अस्थायी सदस्य यानी नामित सदस्यों की घोषणा बाद में बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया है। ट्रस्ट के गठन के साथ ही केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए अधिग्रहित सभी 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए
पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। पूरे क्षेत्र के विकास की योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व भी इसी ट्रस्ट पर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।